नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इंस्टाग्राम पर रील्स को बना सकते हैं और उसे कैसे अपलोड कर सकते हैं। सो अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं और आप इंस्टाग्राम आईडी से रील्स बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ए टू जेड कम्प्लीट मेथड बताया है जिससे आप आसानी से इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम में आ जाना है। इंस्टाग्राम पर आ जाने के बाद आपको ऊपर एक प्लस का साइन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए रील्स का ऑप्शन है थर्ड नंबर पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर लेने के बाद आपका यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर आप रील को यहाँ से शूट करके बनाना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली बना सकते हैं, या फिर अगर आपने पहले से ही बना के रखे हैं तो नीचे प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आप उस वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप दो तरीके से रील्स को अपलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कैमरे से बना करके दिखा देता हूँ। इसके लिए यहाँ पर देखिए कैमरा ओपन हो चुका है और यहाँ पर सबसे पहले आपको एक म्यूजिक ऐड करना है, अगर आप म्यूजिक को ऐड करना चाहते हैं तो म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से बहुत सारा म्यूजिक का लिस्ट आ जाएगा, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। आप यहाँ से चाहे तो गाना को प्ले भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी गाने पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये प्ले हो चुका है और इसे ऐड करने के लिए आप इस म्यूजिक पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद ऊपर डन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर म्यूजिक फाइनली ऐड हो चुका है। अब आप यहाँ से अगर आप स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं, यानी कि अपने वीडियो को स्लो मोशन में लाना चाहते हैं या फिर टाइम लैप्स बनाना चाहते हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इस तरीके से चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1x पर है तो आप जैसे 3x 5x पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो फास्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप अकेले वीडियो को शूट करते हैं तो इसके लिए आप यहां से टाइमर को भी लगा सकते हैं। इसके लिए लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहां से म्यूजिक चालू हो जाएगा। यहां से आप 10 सेकंड इस पर क्लिक करके 3 सेकंड 10 सेकंड लगा सकते हैं। इसके बाद सेट टाइमर पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा टाइमर भी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर पूरा चीज़ सेटअप हो चुका है। अब आपको इफेक्ट डालना है, अगर आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, चाहे तो इस पर आप क्लिक करके इफेक्ट लगा सकते हैं या फिर आप राइट स्वाइप इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इफेक्ट आ चुका है। इसी तरीके से और भी यहाँ पर इफेक्ट दिया गया है जिसे आप राइट स्वाइप करके लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इफेक्ट लगा लेने के बाद आपको अपने वीडियो को शूट करना है। इसके लिए इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ये जो टाइमर लगाया था मैंने वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रील्स खुद ही यहाँ पर तैयार हो चुका है। अगर आप इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं या फिर उस पर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली इस वीडियो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक कीबोर्ड आ जाएगा नीचे में, तो यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। जैसे हम कुछ लिख देते हैं यहाँ पर टेस्ट, इसके बाद ऊपर डन पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ से ये ऐड हो चुका है। अब इसके पोजिशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए इस टेस्ट को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं वहाँ पर इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा टेक्स्ट ऐड हो चुका है। इसके बाद नीचे सही वाला बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आप चाहे तो इसको अपलोड भी कर सकते हैं और अपने गैलरी में भी सेव कर सकते हैं। गैलरी में सेव करने के लिए आपको ऊपर डाउनलोड वाले बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर सेव का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है वो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो हमने यहाँ से वीडियो को अपने गैलरी में सेव कर लिया है। इसके बाद इस वीडियो पर कोई स्टिकर डालना चाहते हैं तो इसके लिए स्टिकर पर क्लिक करेंगे और यहां से आप इस तरीके से कोई भी स्टिकर को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहां से कुछ प्रोसेसिंग लेगा, इसके बाद कैप्शन को लिखने का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप इस रील्स के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके नीचे आप यहाँ से हैशटैग भी लगा सकते हैं, जैसे हैशटैग यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद हैशटैग डाल देने के बाद यहाँ से आपको कुछ लिख देना है, जैसे रील्स। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारा रील्स वाला हैशटैग आ जाएगा, इस पर से आपको चूज कर लेना है। नीचे आपको यहाँ से ऑल्सो शेयर टू फीड को ऑन कर देना है। अब यहाँ से नीचे शेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से देखिए आपका रील्स जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से मेरा रील्स जो है वो अपलोड हो चुका है। यहाँ से देख सकते हैं मेरा रील्स रील्स वाले सेक्शन में आ चुका है। यहाँ से कोई भी देख सकता है, इसको लाइक भी कर सकता है, यहाँ से इसको कमेंट भी कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से इंस्टाग्राम का रील्स खुद से अपलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।